रेलवे पटरियों पर रोड पे उनको हटाने नहीं दे रहा। बात बात पर आजादी मांगने वाले कन्हैया कुमार अब देश को बांटने की कोशिश करने वाले के लिए भी आजादी मांग रहे हैं। जी हाँ, जिस शर्जील इमाम ने असम को हिंदुस्तान से काट कर अलग करने की बात कही, उस शर्जील इमाम पर जब देशद्रोह का मुकदमा चला तो कन्हैया कुमार को उससे तकलीफ हो गई। जिस शर्जील इमाम को बिहार से उठाकर दिल्ली लाया गया, उस शर्जील के लिए कन्हैया को बेचैनी हो रही है, उसके लिए आजादी की मांग कर रहे हैं। आखिर कन्हैया क्यों मांग रहे हैं आजादी? आखिर कन्हैया किससे मांग रहे हैं आजादी और क्यों मांग रहे हैं आजादी के सवाल पूछने पर कन्हैया कहते हैं कि उन्हें डर है कि वो किसी के अधीन ना हो जाएं, इस डर से आजादी मांगते रहते हैं। आज शर्जील के लिए आजादी मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, जब शर्जील को देशद्रोह के मुकदमे से आजादी नहीं मिल सकती तो भला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कन्हैया ने बिहार की राजधानी पटना से संविधान बचाओ नागरिकता रैली की शुरुआत की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शर्जील के केस पर सवाल उठाए, कहा कि शर्जील का मुकदमा है तो अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं? आतंकी अफजल गुरु की फांसी पर देश में देश का विरोध करने वाले कन्हैया कुमार आगे कहते हैं कि मैं कानून का समर्थक हूँ, मुझे उम्मीद है कि पुलिस सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में काम नहीं करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर कन्हैया कहते हैं कि शर्जील से मेरा वैचारिक मतभेद है, देश में किसी को हिंसा की इजाजत नहीं है, देशद्रोह का मुकदमा मुझ पर भी हुआ, 4 साल में कुछ साबित नहीं हुआ, मेरे कई वीडियोस वायरल हुए। कन्हैया का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने गोली मारने की बात कही, उन पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ, देशद्रोह का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सरकार सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह देशद्रोह का मुकदमा बांट रही है। वो कन्हैया कुमार जो खुद देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहा है, वो शर्जील पर देशद्रोह के मुकदमे के लिए सवाल उठा रहा है और उस शर्जील की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से तुलना कर रहा है जो खुले तौर पर देश को बांटने की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर के बयान का हम भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मर्यादा तो भूली है लेकिन देशद्रोह का मुकदमा तो उन पर तब भी नहीं बनता। जो देश से गद्दारी करेगा उसे गोलियों से भूना नहीं जाएगा लेकिन उसे कार्रवाई का तो सामना करना ही होगा, जो कि वो कर ही रहा है। जेएनयू के पीएचडी छात्र शर्जील इमाम को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से दिल्ली लाया गया है। शर्जील को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। और तो क्या हुआ, जब केजरीवाल चुनाव से पहले CA NPR NRC शाहीन बाग पर कुछ नहीं बोल रहे, उनके बाकी साथी तो उनके लिए काम कर ही रहे हैं। जैसे कन्हैया कुमार ही कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के काम पर चर्चा ना हो, इसलिए शर्जील पर चर्चा की जा रही है। ये सीधा सीधा केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुद्दों से भटकाने का आरोप है। कन्हैया कुमार सीएए के विरोध में संविधान बचाओ नागरिकता रैली निकाल रहे हैं जो 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। कन्हैया कुमार का कहना है कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। मांगे तो जमीन मांगे तो हम क्या चाहते हैं हटाने नहीं कोई मिले। आज लोग हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। आपके दिल्ली में एक इलाका है जो आज देश और दुनिया भर में उसकी गूंज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हुई है। लोग 200-250 बैठे हैं लेकिन पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है जैसे न जाने पूरा हिंदुस्तान वो चाहता हो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये शाहीन बाग में जो गिने चुने लोग बैठे हैं और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस और केजरीवाल कहते हैं कि हम पूरे इलाके को शाहीन बाग बना देंगे, रिठाला वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने इलाके को शाहीन बाग बनाओगे?
क्या आप अपने इलाके को शाहीन बाग बनने दोगे? क्या शाहीन बाग के समर्थकों को यहाँ पर आने दोगे? अरे जो मुंह ढक कर बैठे हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, जो याकूब मेनन और अफजल को शहीद कहकर उनके नाम पर शाम का आयोजन करते हैं, क्या ऐसे उनके समर्थकों को आप अपने इलाके में आने दोगे? क्या आप अपने देश के टुकड़े होने दोगे? क्या भारत के टुकड़े आपको मंजूर है? अरे अगर आपको मंजूर नहीं है मेरे भाई और बहनों, तो एक एक गली एक एक घर घूम जाओ और हिंदुस्तान की जनता को जगाने का समय आ गया है कि हमारे देश के टुकड़े करने वालों को दिल्ली में राज नहीं करने देंगे, दिल्ली में राज नहीं करने देंगे। मंच से हमारे कुछ बड़े नेता इन युवाओं को शांत कराने के लिए खड़े हुए। मैं तो कहता हूं हमें तो ऐसे क्रांतिकारी नौजवान चाहिए जो पूरी दिल्ली बदल कर दिखाते हैं। इन्हीं की आवाज जब घर घर तक जाएगी, यही जुनून जो यहाँ की गली गली तक जाएगा, तो रिठाला भी बोल उठेगा अब की बार, अब दिल्ली में भी मोदी सरकार आने वाली है। आपने जब लोकसभा में आदरणीय अमित भाई ने और आदरणीय मोदी जी ने आदरणीय हंसराज हंस जी को यहां से उम्मीदवार दिया था, तो आपने इतना प्यार मान सम्मान उनको दिया और भारी भरकम जीत, रिकॉर्ड जीत आपने दिलाई। इसके लिए मैं स्पष्ट जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह देश के करोड़ों दिलों की धड़कन है जो आपके यहां पर आपके लोकप्रिय सांसद हैं। देश के किसी कोने में जाएं, लोग इनको सिर पर बिठाते हैं, इनको इतना प्यार करते हैं, लेकिन अब कहीं पर भी जाकर कहें तो कहते मैं दिल्ली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का सांसद हूं। जब लोकसभा में भी बोलते हैं आपने हमें हंसराज जी हंस जैसे सांसद दिए, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमने एक और नौजवान को यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है और उस नौजवान का नाम है मनीष चौधरी। यह जो दो हफ्ते का समय हमारे पास बचा है, ये दो हफ्ते के समय में हर कार्यकर्ता अपने आप को मनीष चौधरी समझकर रिठाला विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाएगा, हर घर तक, और हर घर में भी अगर किराएदार भी है तो उस तक भी जाएंगे, हर परिवार को टच करेंगे और कहेंगे कि 5 साल तुमने केजरीवाल को दिए, दिल्ली को बर्बाद करने वाला कोई है तो केजरीवाल है, हमें दिल्ली को मुक्ति चाहिए उससे, दिल्ली को मुक्ति चाहिए केजरीवाल से। और अगर दिल्ली को भी विकास की राह पर लेकर जाना है तो दिल्ली में भी मोदी सरकार चाहिए। मेरे भाई और बहनों, किस बात का विरोध करते हैं, 5 साल में से 4.5 साल केजरीवाल धरने पर बैठा रहा, धरना प्रदर्शन करता रहा, झूठे आरोप लगाता रहा, कभी नितिन गडकरी जी पर, कभी अरुण जेटली जी पर, कभी भाजपा के बाकी नेताओं पर। मुझे कोई एक शख्स खड़ा होकर बताए क्या केजरीवाल जी अपना एक भी आरोप सिद्ध कर पाए? जितने आरोप लगाए उससे ज्यादा बार कोर्ट में जाकर माफी मांगी है तो झूठे केजरीवाल ने मांगी है। यही नहीं, आपसे वायदा किया था इन्होंने कि आपके यहां पर 500 से ज्यादा नए स्कूल खोलेंगे, क्या आपके 500 नए स्कूल खुल गए? क्या 500 नए स्कूल खुले? क्या आपकी विधानसभा में जो 20 स्कूल खुलने थे वो खुल पाए? क्या आपकी यहाँ की सड़कें ठीक है? क्या आपको साफ सुथरा पानी मिलता है? अरे भाई पीछे वाले भी बताओ, पानी साफ आता है?
अरे मीडिया वाले भाई, मेरी तरफ कैमरा करने की बजाय उधर पूछो जरा क्या हो रहा है, देखो कितने लोग सहमत हैं, जरा देखो। क्या किसी के घर पे साफ पानी आता है? क्या आपके 1000 नई बसें चल पाई? क्या आपके 500 नए स्कूल खुले? क्या केजरीवाल ने 56 नए बड़े अस्पताल बनाने थे? आपकी विधानसभा में एक भी बड़ा अस्पताल बना? जो गरीबों के लिए 25% आरक्षित बेड थे, क्या वो हो पाए? अरे वहां तो इसने बड़े बड़े लाले बिठा दिए। जो गरीब के लिए बेड था वो भी गरीब के लिए बेड नहीं मिल पाया अस्पताल में। जो मोटी रकम देने वाले थे उनको मुफ्त के बेड केजरीवाल ने दे दिए।